हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनू सिन्हा चरण, एसोसिएट प्रोफेसर जैन कॉलेज धुरवा। आज मैं एमए सेमेस्टर फोर के छात्रों के लिए श्रेणी प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था पर जो मेरा लेक्चर पार्ट वन था उसके सेकंड पार्ट को अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं मेरा जो अगला पॉइंट था पार्ट टू का, उसमें है गुप्त काल में श्रेणियों का विकास। गुप्त काल में श्रेणियों का विकास 400 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक का है। गुप्त काल में विभिन्न उद्योगों और व्यापार की उन्नति हुई। इस प्रकार यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के साथ साथ छोटे छोटे शिल्पियों ने अपने अलग अलग संघ बनाए। उनका मुख्य कार्य अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति को ठीक करना था। यह संघ सदस्यों के आपसी वाद विवादों को भी तय करता था। इन संघों के अपने अपने नियम थे। कुछ संघ बड़े मालदार होते थे। संघ अपनी संपत्ति को जनहित के कार्यों में ही लगाते थे। मंदिरों आदि का निर्माण भी करवाते थे। आवश्यकता पड़ने पर इन संघों का के सदस्य शस्त्र भी धारण करते थे। संपत्ति की रक्षा का भी कार्य करते थे। संघों के विषय में सत्य केतु विद्या अलंकार ने भी कहा है कि उस समय श्रेणियों और सार्थवाहों के नियम थे, लेकिन जुलाहे तेली आदि विभिन्न व्यवसायी भी अपनी अपनी श्रेणियों में संगठित थे। जनता का इन पर पूरा विश्वास था। यही कारण था कि इनके पास रुपया विविध प्रयोजनों से धरोहर के रूप में रख दिया जाता था और वे उस पर सूद दिया करते थे। इन निगमों और श्रेणियों का एक मुखिया होता था। उनको परामर्श देने के लिए 4 से 5 व्यक्तियों की एक समिति भी होती थी। श्रेणियों में छोटी और बड़ी सब प्रकार की श्रेणियां होती थी। यह संघ अपने सदस्यों की सहायता से लोगों को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था। इस शिक्षा के काल में शिष्य को गुरु के घर रहकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। यह संघ अपनी अलग अलग मुहरें भी रखते थे। इस प्रकार भारतीय आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखने में इन संघों का महत्वपूर्ण योगदान था। गुप्त काल की श्रेणियों के संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस समय श्रेणियों पर कौटिल्य के समय की भांति राज्य का विशेष नियंत्रण नहीं था। उन्हें स्वायत्त अधिकार दिए गए थे। उनके अपने रीति रिवाज थे। उनके अपने नियम और संपत्ति तथा जायदाद से संबंधित अधिकार भी प्राप्त थे। उस समय श्रेणियों की स्वायत्तता पर विशेष ध्यान दिया गया था। नारद स्मृति में लिखा गया है कि राजा को चाहिए कि वह श्रेणियों और अन्य निगमों की प्रथाओं की मान्यता दे। उनके जो भी कानून, कर्तव्य, उपस्थिति के नियम और जीवन निर्वहन के विशेष परिपाटी हो, उन सबों पर राजा स्वीकृति प्रदान करे। इसी प्रकार बृहस्पति का विचार है कि श्रेणियों का संगठन इसलिए किया गया था कि लोग अपने धार्मिक और लौकिक कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करें। गुप्त काल में श्रेणियों में धन जमा करने का भी उल्लेख मिलता है। स्कंद गुप्त के समय में इंदौर के ताम्रपत्र में इंद्रपुर की तैलिक श्रेणी में धन जमा करने का उल्लेख मिलता है, जिससे सूर्य मंदिर में एक दीप जलाए रखने के लिए तेल की स्थायी व्यवस्था की गई थी। मंदसौर अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि लाट के रेशम बुनने वाले लोग दशपुर में आकर रहने लगे और उन्हें अपने संचित निधि से ये विशाल सूर्य मंदिर बनवाया था। असार से प्राप्त मिट्टी के 274 मुहरें
274 मुहरे गुप्त काल की श्रेणी व्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव डालती हैं। उनसे पता चलता है कि उस समय का स्वरूप काफी व्यापक रहा होगा। इन मोहरों से यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि यह एक सम्मिलित संगठन था। इसमें श्रेणीन, सार्थवाह, उर, कुलिक भी शामिल थे। उत्तरी भारत के अनेक नगरों में इसकी शाखाएं थी। इसकी तुलना में हम आधुनिक वाणिज्य मंडलों से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में श्रेणियां। दक्षिण भारत में अनेक अभिलेखों से वहां के व्यापारियों और शिल्पियों की गतिविधियों के विषय में जानकारी मिलती है। राजा विक्रमादित्य द्वितीय के 725 के लक्ष्मणेश्वर के अभिलेख से तांबे के काम करने वाले श्रेणियों का पता चलता है। कृष्ण द्वितीय के 903 के मूलकुंड अभिलेख से 360 नगरों के श्रेणियों के चार मुखियों के द्वारा दिए गए दान की जानकारी भी मिलती है। 1110 में के छठे आदित्य द्वितीय के एक अभिलेख के द्वारा अनेक श्रेणियों के संयुक्त दोनों विषयों के बारे में पता चलता है। 12वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के अभिलेखों से तेलियों, बुनकरों, कुम्हारों आदि श्रेणियों का भी उल्लेख मिलता है। विक्रम चोल के काल के तिरुमुंगन पुंड के मंदिर के एक अभिलेख से व्यापारियों के एक संघ का उल्लेख मिलता है, जो प्रायः सारे दक्षिण भारत में फैला हुआ था। दक्षिण भारत के व्यापारिक संगठनों में कई प्रसिद्ध संगठन थे, जिसमें विभिन्न वर्गों के व्यापारी सदस्य शामिल थे। यह संगठन लगभग 300 वर्षों तक रहे। इसके सदस्य विभिन्न देशों में थल और जल मार्ग से जा करके व्यापार करते थे। इनके लंका और बर्मा, जावा, सुमात्रा आदि के भी साथ संबंध थे। अभिलेखों में मणिग्रामम व्यापार निगम का उल्लेख मिलता है, जिसका प्रभाव दक्षिण भारत के अनेक नगरों में मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है श्रेणियों का संगठन और संविधान। छठी शताब्दी ईसा पूर्व श्रेणियों के संगठन के विषय में हमें जातकों के द्वारा जानकारी मिलती है। प्रत्येक शिल्प समूह का नेतृत्व में करने के लिए एक प्रमुख या ज्येष्ठक होता था, जिसके पास शिल्प प्रमुखों का नाम जातक में मिलता है। और इसमें कुमार जेठक, माला जेठक और बड्डा की जेठक का नाम उल्लेखनीय है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए लोग श्रेणी के रूप में अपना संगठन का नेता चुनते थे। शिल्प प्रमुखों के अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। राजा के वे कृपा के पात्र होते थे। याज्ञवल्क स्मृति और नारद स्मृतियों में श्रेणियों के विषय में विशेष उल्लेख मिलता है, साथ ही उनके संविधान के विषय पर भी प्रकाश पड़ता है। श्रेणी का एक प्रधान अध्यक्ष होता था, जिसकी सहायता के लिए 5 अधिकारी होते थे, जो अत्यंत ईमानदार और योग्य होते थे। साथ ही साथ वो नियमित होते थे, गलत आचरण से दूर होते थे, किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे। यदि प्रधान कहीं दोष प्रमाणित हो जाता था तो राजा उसे दंड देता था। श्रेणी का एक कार्यालय भी होता था, जिसमें उसके सदस्य समय समय पर एकत्रित होकर सार्वजनिक कार्य भी करते थे। इसके सदस्य न्याय और शक्ति के भी पूरक होते थे। श्रेणी को सामूहिक चल संपत्ति, खेत, बगीचा आदि पर स्वामित्व का अधिकार भी
प्राप्त था। प्रबंधन अधिकारियों श्रेणियों की ओर से ऋण भी ले सकता था, संगठन की ओर से दान और धर्म का कार्य भी कर सकता था। श्रेणियों की साधारण सभा नए सदस्यों की भर्ती करने और पुराने सदस्यों को हटाने का कार्य करती थी। श्रेणी अधिकारी प्रबंधन अधिकारी श्रेणी के सदस्यों के समूह के प्रति उत्तरदायी होते थे। वे प्रबंधन अधिकारी को हटा सकता था, राजा को निष्कासित कर सकता था और राजा श्रेणियों के श्रेणी के प्रमुखों के कार्य की समीक्षा भी करते थे। श्रेणियों के कार्य के अंतर्गत आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य, जन कल्याण कार्य, वैधानिक कार्य, न्यायिक कार्य, सैनिक कार्य इत्यादि आते थे। उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में विभिन्न युगों में श्रेणियों का विशेष महत्व था। श्रेणियां व्यापारिक और शिल्प कार्यों के लिए बहुत ही अधिक प्रभावशाली थी, साथ ही साथ ये अन्य कार्यों को भी संपन्न करती थी। यह सच है कि प्राचीन भारतीय आर्थिक समृद्धि का व्यापारिक और सामाजिक ढांचा बहुत हद तक इन्हीं श्रेणियों के कार्यों पर निर्भर करता था। धन्यवाद।